दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज किलोवाट, केवीएआर एंड केवीए। मतलब कि दोस्तों किलोवाट क्या होता है, केवीआर क्या होता है और केवीए क्या होता है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने जब भी इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना होगा तो वहां पर आपने किलोवाट, केवीएआर और केवीए जरूर सुना होगा। अगर मैं बात करूं, कोई आप मोटर के बारे में सुनते हो, जैसे कि हमारी कोई 10 किलोवाट की मोटर है, 5 किलोवाट की मोटर है, तो वहां पर आपने किलोवाट नाम सुना होगा। अगर केवीआर की बात करें तो जहां पर आपने कैपेसिटर यानी कैपेसिटर की पावर की बात आती है, यानी कि हमारा कैपेसिटर कितने केवीआर का है कितने का नहीं है, दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा केवीआर कैपेसिटर के साथ में। और वही बात करूं मैं केवीए की, दोस्तों आपने अगर कोई डीजी डीजल जनरेटर या कोई ट्रांसफार्मर के बारे में सुना होगा तो दोस्तों वहां पर हमको सुनने को मिलता है केवीए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज की वीडियो में किलोवाट क्या होता है और दोस्तों केवीएआर क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और केवीए क्या होता है, दोस्तों एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे और सबसे लास्ट में वीडियो के एक मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा ताकि आप अगर अच्छे से समझ गए तो आप पूरी अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे आखिर केवीआर क्या होता है, केवीए क्या होता है और किलोवाट क्या होता है। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए आखिर हमारा किलोवाट, केवीएआर और केवीए आखिर ये तीनों है क्या। तो दोस्तों मैं एक चीज सिंपल सी बता दूं, ये तीनों जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में पावर है। पावर बोले तो दोस्तों ताकत, यानी कि किसी भी मशीन की या किसी भी इक्विपमेंट की ताकत। जैसे कि आप किसी लाइट वगैरह को देखते हो, अगर कोई आपने लाइट देखी होगी और जो लाइट की जो पावर है वो पावर आपको किसमें वाट में देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर आपकी ज्यादा लाइट ज्यादा पावर की लाइट है, अगर 1000 वाट से ऊपर की लाइट है तो दोस्तों वहां पर आपको किलोवाट देखने को मिलेगा। या जैसे आपने कोई मोटर देखा होगा, मोटर की पावर आपको किलोवाट में देखने को मिलती है। और जिस तरीके से आपने कोई डीजल जनरेटर डीजी हो गया दोस्तों या कोई हमारा ट्रांसफार्मर हो गया दोस्तों, उसकी पावर आपको किसमें केवीए में देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दोस्तों, उसके अंदर हमारी जो पावर है दोस्तों, उसके मुख्य तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है हमारा किलोवाट और केवीएआर और दोस्तों केवीए। तो फटाफट इन तीनों को एग्जांपल से समझ लेते हैं आखिर किलोवाट क्यों होता है, केवीएआर क्यों होता है और केवीए ही क्यों होता है, यानी कि इनको तीन भागों में क्यों बांटा गया है, इसका क्या कारण है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं हमारा केडब्ल्यू। केडब्ल्यू होता है दोस्तों हमारा किलोवाट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों किलोवाट, या ऐसे समझो दोस्तों हमारी एक्टिव पावर। एक्टिव पावर दोस्तों, एक्टिव पावर या हमारी कोई रियल पावर, रियल पावर से आप समझ सकते हो दोस्तों, रियल पावर वो होती है जो पावर सही में इस्तेमाल हो रही हो, रियल पावर। जैसे कि आप समझ लो दोस्तों हमारा कोई थ्री फेस की मोटर है, जो हमारी थ्री फेस की मोटर है दोस्तों, जैसे ही हमें इस पे थ्री फेस की सप्लाई जोड़ देता हूं, ये मैंने इस पे थ्री फेस जोड़ दे आर वाई बी, और दोस्तों जब हमारी मोटर के अंदर सप्लाई गई और दोस्तों जब हमारी मोटर घूमने लगी, यानी कि हमारी मोटर में मैग्नेटिक फील्ड बना, यानी कि अपना प्रोसेस शुरू किया और हमारे मोटर की जो शाफ्ट है यानी कि रोटर जो है वो घूमने लगा, यानी कि जो पावर इस रोटर को घुमाने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो हो गई हमारी रियल पावर। रियल पावर या हमारी इसको बोल सकते हैं हम किलोवाट। तो दोस्तों ये हुई हमारी रियल पावर। दोस्तों अभी आप समझ रहे होगे आखिर रियल पावर क्या है, रियल पावर यानी कि ये चल रहा है तो वो रियल पावर और कितने तरह की पावर होती है। तो दोस्तों जैसे मैं इन तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा, किलोवाट और केवीएआर और दोस्तों केवीए, मैं एक मोटर के एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा तो आपको इसमें ही तीनों पावर देखने को मिलेगी, यानी कि हमारी जो किलोवाट है रियल पावर भी या एक्टिव पावर भी और केवीआर भी और दोस्तों केवीए भी। अभी क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं तीनों के एग्जांपल आपको दूंगा। रियल पावर या असलियत पावर, जो असलियत में यूज कर रहा है, जो हमारी मोटर असलियत में इस्तेमाल कर रही है जिस पावर का, यानी कि कुछ पावर इसमें वेस्ट भी हो रही है लेकिन वेस्ट वाली पावर अलग है, उससे अलग, यानी जितनी पावर हमारी मोटर इस्तेमाल कर रहा है इसको घुमाने में वो पावर कहलाती है हमारी रियल पावर। और वही मैं बात करूं जो हमारा केवीएआर है, तो केवीएआर क्या होता है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर, या दोस्तों इसको आप एक चीज और बोल सकते हो कि हमारी रिएक्टिव पावर या हमारी यूजलेस पावर, यानी कि जिसका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं वो पावर, यानी कि जो मोटर हमारी मोटर के अंदर यूजलेस पावर है वो है हमारी क्या दोस्तों, केवीएआर। तो दोस्तों केवीआर क्या है, केवीआर है रिएक्टिव पावर इज द यूजलेस पावर विच ओनली
फ्लो बिटवीन सोर्स एंड लोड। मतलब कि दोस्तों इसको ऐसे समझो, यानी कि जो हमारा सोर्स एंड लोड, यानी कि जो हमारा सोर्स है जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और जो हमारा लोड है उसके बीच में जो इस्तेमाल हो रही है यूजलेस पावर, यानी कि जो यूजलेस पावर है वो कहलाती है हमारी रिएक्टिव पावर या KVAR। दोस्तों इसको कुछ ऐसे समझो, हमारी कोई थ्री फेज की मोटर है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैं एग्जांपल एक ही चीज दूंगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में। दोस्तों मेरी थ्री फेज की मोटर है, वो दोस्तों जब मैं इसको थ्री फेज सप्लाई देता हूं, दोस्तों इसमें क्या होगा, हमारा जो रोटर लगा होता, यानी कि मोटर के अंदर स्टेटर हो गया बाहर वाला हिस्सा और अंदर हो गया इसमें रोटर। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए जो हमारी पावर यूज हो रही है दोस्तों, वही है हमारी कौन सी रिएक्टिव पावर जो रिएक्ट कर रही है इसके अंदर। क्या है, जो मैग्नेटिक शुरू में मैग्नेटिक जो फील्ड बन रहा है वो हमारा क्या है दोस्तों, KVR। वही हमारी पावर है कौन सी दोस्तों, यानी कि जो रिएक्टिव पावर है वही हमारी क्या है, KVR। जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है यूज होती है, उसमें जो पावर यूज होती है वो होती है KVR। यानी कि इसको ऐसा समझो, मैंने इसको थ्री फेज सप्लाई दी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो क्या हो गई दोस्तों, वो हमारी यूज में नहीं होगी, वो हमारी क्या होगी, यूजलेस पावर। यूजलेस पावर या दोस्तों हमारा KVAR दोस्तों इजिकल टू हो गया दोस्तों ये हमारी KVAR, यानी कि जो हमारी यूजलेस पावर है, यूजलेस पावर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बना रही। उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा मोटर रोटर घूमने लग जा रहा है, यानी कि रोटर घूमना शुरू कर रहा, तो वो क्या हुई दोस्तों, वो हुई हमारी किलोवाट। किलोवाट या बोल सकते हैं असलियत, असली पावर, जो असलियत पावर असलियत में जो यूज हो रही है, जो असलियत में इसको घुमा रही है बाद में फिर दोस्तों, वो कौन सी है हमारी किलोवाट, यानी असली पावर, यानी कि इसको हम रियल पावर बोलते हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो दोस्तों दो चीज तो समझ गए, यानी कि मैं केवीए के बाद को बताने के बाद उसके बाद एक एग्जांपल और बताऊंगा, ताकि ये जो कंफ्यूजन रह भी जाए आपका, वो उस एग्जांपल के बाद आपका सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं हम आखिर केवीए क्या होता है। तो दोस्तों केवीए, केवीए की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर। दोस्तों इसको हम एक नाम से और जानते हैं, वो बोलते हैं इसको हम अपरेंट पावर। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन जो होती है वो होती है द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव पावर किलोवाट एंड रिएक्टिव पावर KVAR इज कॉल्ड अपरेंट पावर। मतलब कि दोस्तों जब हमारी जो एक्टिव पावर है दोस्तों, किलोवाट हो गई हमारी एक्टिव पावर, और इनटू दोस्तों हमारा KVAR क्या हो गया दोस्तों, हमारा वो हो गया रिएक्टिव पावर, यानी कि एक्टिव पावर दोस्तों और इनटू रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर में KVAR आ रहा है दोस्तों, ये होगी आप रिएक्टिव पावर हमारी। और दोस्तों इसके इजिकल टू जो आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, KVA। दोस्तों KVA मतलब दोस्तों हमारी अपरेंट पावर, यानी कि जब हम अपनी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को मिला देते हैं तो दोस्तों उसके उसका जो गुना आता है, जो मतलब गुना करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, हमारी अपरेंट पावर यानी कि KVA। दोस्तों आपने कभी भी देखा होगा जब हम केवीए निकालते हैं, यानी कि जब हम केवीए निकालते हैं तो किलोवाट किलोवाट इनटू पावर फैक्टर करते हैं, यानी किलोवाट इनटू पावर फैक्टर इजिकल टू जो आएगा वो हमारी केवीए की वैल्यू आ जाती है। तो दोस्तों यही जो फॉर्मूला है यही सेम कहलाता है। देखो दोस्तों हमारी किलोवाट तो हो गई हमारी एक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर होगी हमारा पावर फैक्टर। तो दोस्तों इसके इजिकल टू क्या होती है हमारी अपरेंट पावर, यानी कि हमारी जो रिएक्टिव पावर है और एक्टिव पावर की मल्टीप्लाई जो करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो आएगी हमारी केवीए, यानी कि हमारी अपरेंट पावर। तो दोस्तों इन तीनों के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल रख लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए। दोस्तों सपोज करो हमारा कोई गिलास है, ये एक गिलास है, और इस गिलास के अंदर मैं कोल्ड ड्रिंक भरनी स्टार्ट करता हूं, और जब मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक भर दी है, मानने की बात है दोस्तों मैंने इस गिलास को यहां तक भर दिया, यानी कि इसको फुल भर दिया, यहां तक जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है वो लगभग ऊपर तक मैंने इसको जितना भरना था और भर दिया। तो दोस्तों इसके अंदर जो टोटल कोल्ड ड्रिंक हुई हमारी, जो हमारी टोटल यहां से यहां तक जो कोल्ड ड्रिंक भरी है दोस्तों, ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी हमारी जो अपरेंट पावर थी वो कहलाएगी हमारी अपरेंट पावर। अपरेंट पावर क्या था दोस्तों, हमारा केवीए, यानी कि ये क्या हो गया, केवीए हो गया। इसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो क्या हो गया दोस्तों, केवीए हो गया। और इसी तरीके से जब मैं इसमें कोल्ड ड्रिंक भरूंगा तो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ कुछ झाग भी रहेगी, यानी कि जो सिर्फ झाग रहेंगे वो थोड़ी देर बाद हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम डालते हैं उस टाइम तो भरते हैं, जैसे ही हम अपनी मोटर में सप्लाई देते हैं तो उस टाइम तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसी तरीके से जब हम इसमें भर रहे हैं तो हम उस टाइम इसमें क्या है, झाग है, यानी कि ये कौन सी हमारी कहलाएगी, ये हमारा केवीआर हो गया, यानी कि रिएक्टिव पावर। ये सिर्फ रिएक्टिव कर रही है, बाकी इसका कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद हट जानी है, लेकिन ये क्या हो गई दोस्तों, हमारी रिएक्टिव पावर होगी, यानी कि केवीए
आर, जिसको हम केवीआर से डोनेट करते हैं या केवीआर से मेजर करते हैं। इसको मेजर करने का यही है केवीआर इकाई, इसको मापने की इकाई केवीआर। और दोस्तों ये जो यहां से यहां तक बची वैल्यू इसमें, जो अब दोस्तों इसमें जो कोल्ड ड्रिंक बची, जो एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक है यहां से और यहां तक, ये क्या कहलाएगी हमारी, यहां से लेके और यहां तक कहलाएगी दोस्तों हमारी किलोवाट। किलोवाट बोले तो दोस्तों रियल पावर, रियल पावर, ये हुई हमारी रियल पावर जो एक्चुअल में इसमें है कोल्ड ड्रिंक यानी कि लिक्विड है। ये ऊपर तो जो हमारे पिंक वाले हो गए, जो पिंक मैंने पिंक पेन से बनाई, ये हो गए दोस्तों इसकी झाग, ये क्या हो गई हमारी केवीआर। और इसी तरीके से अगर मैं इसको पूरा झाग भी लगा ले कोल्ड ड्रिंक वोल्डिंग सब लगा के, तो ये हुई हमारी अपरेंट पावर यानी कि हमारा केवीए, केवीए होती है हमारी अपरेंट पावर। और ये हो गया हमारा केवीआर जो झाग है ऊपर की, जो रियल पावर है, जो एक्चुअल में पावर है, वो होगी हमारी रियल पावर किलोवाट। तो दोस्तों इस एग्जांपल से उम्मीद आप समझ गए होंगे क्लियर कि आखिर किलोवाट क्या होता है, केवीए क्या होता है, केवीएआर क्या होता है। और मैं एक चीज और बता दूं साथ ही साथ, अगर हमारी केवीएआर की, जो केवीएआर की वैल्यू अगर बढ़ने लगती है यानी कि केवीआर जो पावर है अगर ये बढ़ने लगती है, तो इससे क्या होता है हमारा पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसी पावर फैक्टर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपने देखा होगा अपनी कंपनी में हम कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आप देखा होगा कैपेसिटर बैंक, या इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में एपीएफसी पैनल यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल, आपने अक्सर देखा होगा अपनी इंडस्ट्रीज में लगे हुए। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो में आज का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर यूजलेस पावर क्या होती है हमारी केवीआर, और दोस्तों हमारी रियल पावर होती है किलोवाट, और इसी तरीके से जो हमारी अपरेंट पावर या केवीए होता है अपरेंट पावर। तो उम्मीद है आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।